हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? तो मेरे मिनी गार्डन में आप लोग का स्वागत है। तो ये मेरा छोटा सा मिनी गार्डन है। ये इंडियन जुगाड़ है, जो बॉटल्स बच जाती, पुरानी हो जाती है, उसे काट के हम लोग ने इसे प्लांट बना दिया है। ये देखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं, एंड फ्रॉम वेस्ट टू बेस्ट। और ये कुछ कुछ फूल्स आ चुके हैं मेरे पौधों में। पुदीना मेरे सूख गया था तो मैंने इसे गमले में लगा दिया था, एंड सी ये मेरे पुदीने कितने अच्छे से फ्रेशली ग्रो हो गए हैं। हम घर की जो वेजिटेबल्स होती है वो हमेशा ही अच्छी लगती खाने में, और जो पौधे लंबे होने लगते थे, ये मेरा ये भी इंडियन जुगाड़ है। जो सपोर्ट प्लांट्स को चाहिए होता है वो, और फिर मैंने ये भी फ्लिपकार्ट से मंगवाया था। ये भी बहुत यूज़फुल प्रोडक्ट है, जो आपके मनी प्लांट्स वगैरह लंबे हो जाते हैं उसे आप कहीं पर टक कर सकते हैं। ये ग्रूमिंग टाइम है। सबसे पहले जो सूख जाते हैं पत्तियाँ उसे काट छाट हम लोग करते हैं, उसके बाद जो सूखी पत्तियाँ होती हैं उसे निकाल लेते हैं, और उसके बाद जो लीव्स के ऊपर धूल होती है साफ़ करना। ये सब एक ग्रूमिंग टिप्स है प्लांट्स के लिए। अगर आप ये सब करेंगे आपके पौधे बहुत हेल्दी ग्रो होंगे और फास्ट ग्रो होंगे। पौधे जो होते हैं ये बच्चे की तरह होते हैं, मतलब अगर आप टाइम नहीं देंगे तो ये अच्छे से ग्रो नहीं करेंगे। सो इनमें काफ़ी टाइम लगता है, पर बहुत अच्छा लगता है। और ये भी मेरा बेस्ट फ्रॉम वेस्ट था, ये एक शोपीस टाइप का था, तो इस पर मैंने बहुत पुराना हो गया था तो हम लोगों ने इसी तरह यूज़ किया। ये भी बॉटल्स में मनी प्लांट लगाए हुए हैं। तो जैसे गर्मी आ चुकी है, पौधों को पानी बहुत ज़रूरी है, और इतना पानी आपको देना चाहिए कि एटलीस्ट जो सॉइल है वो 2 से 4 घंटे के लिए गीली होनी चाहिए, क्योंकि गर्मी इतनी है ना कि आपके पौधे जो है सूख जाएंगे। और जैसे ही आप पानी डालिए उनमें एक अलग सा डार्क कलर और बहुत सुंदर लगने लगते हैं। और हर घर में पौधे होने चाहिए, जो आजकल का एटमॉस्फेयर हो गया है, और इस वजह से पौधे हमेशा एक पॉजिटिव वाइब्स भी घर में रखते हैं। तो आपको हर घर में एक पौधा तो रखना ही चाहिए। ये मेरा छोटा सा गार्डन है, मुझे और मेरी मम्मी को बहुत पसंद है गार्डनिंग, तो हम लोग इसे इंजॉय करते करने के लिए। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। फॉर मोर वीडियोज़ यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल।